जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का निधन, 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उद्योगपति रतन टाटा का पार्थिव शरीर एनसीपीए लॉन में रखा गया, शाम 4 बजे तक देश विदेश की कई हस्तियां अंतिम संस्कार में होंगी शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रतन टाटा के निधन को दुखद बताया, कहा भारत ने एक महान व्यक्तित्व को खो दिया। पीएम मोदी ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि रतन टाटा दूरदर्शी, कारोबारी और दयालु इंसान थे। टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने रतन टाटा के निधन पर दुख प्रकट किया, उन्होंने कहा मेरे लिए वो एक गुरु, मार्गदर्शक और मित्र थे। राहुल गांधी ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी, कहा रतन टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, उन्होंने व्यवसाय और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी है। मुकेश अंबानी ने रतन टाटा के निधन पर दुख व्यक्त किया, कहा भारत का सबसे दयालु बेटा चला गया, रतन टाटा का जाना हर भारतीय के लिए बड़ी क्षति है। गृहमंत्री अमित शाह ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी, कहा प्रसिद्ध उद्योगपति और सच्चे राष्ट्रवादी थे रतन टाटा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रतन टाटा के निधन पर दुख व्यक्त किया, उन्होंने कहा कि भारत का कोहिनूर चला गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया, रतन टाटा को भारतीय उद्योग जगत का महानायक बताया। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने शोक व्यक्त किया, एक्स पर लिखा रतन टाटा मॉडर्न बिजनेस को बढ़ावा देते थे। आनंद महिंद्रा ने रतन टाटा के निधन पर दुख व्यक्त किया, कहा मेरे जीवन में रतन जी का बहुत बड़ा योगदान है। एक्टर सलमान खान ने मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया, एक्स पर लिखा रतन टाटा के निधन पर गहरा दुख हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने रतन टाटा के निधन पर घोषित किया एक दिन का शोक, सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द किए। पंजाबी सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने अपने कॉन्सर्ट के समय उद्योगपति रतन टाटा को दी श्रद्धांजलि। लेबनन से हिजबुल्ला का इसराइल पर बड़ा हमला, इसराइल के सैन्य ठिकानों पर बरसाए बम। इसराइल की सेना ने जारी किया हिजबुल्ला पर ड्रोन हमले का वीडियो, हमले में हिजबुल्ला के बड़े कमांडर की मौत का दावा। हिजबुल्ला के हमलों में से इसराइल में भारी तबाही का दावा, इसराइल के कई शहरों में जगह जगह गगनचुंबी इमारतें जमींदोज। इसराइल की सेना ने हिजबुल्ला के कमांड सेंटर गोलान हाइट्स पर हमले का जारी किया वीडियो, सीरिया में आईडीएफ ने की कार्रवाई। हिजबुल्ला के कई रॉकेट को इसराइल के आयरन डोम ने आसमान में ही मार गिराया, कई रॉकेट इसराइल की जमीन से टकराए। आईडीएफ ने लेबनन में हिजबुल्ला की सुरंगों समेत 500 से अधिक आतंकवादी ढांचों को नष्ट कर दिया, सुरंगों से हथियारों का जखीरा बरामद। हिजबुल्ला ने इसराइल पर 8 मिनट में 90 रॉकेट दागे, हमले में कई इसराइलियों के मारे जाने का दावा। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने इसराइल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की, अमेरिका ने इसराइल को हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसराइल के रक्षा मंत्री ईरान को फिर एक बार बड़ी धमकी, कहा इसराइली जवाबी हमला करेगा तो ईरान को समझ नहीं आएगा कि इसे हुआ क्या है। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन की लाओस यात्रा पर रवाना, 21वें आसियान भारत समिट के साथ ही पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मोदी कैबिनेट में अमेरिका से 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की डील को हरी झंडी, रक्षा सौदे में संशोधन के बाद डील को मिली है मंजूरी। सीएम योगी ने बलरामपुर में देवीपाटन मंदिर में की पूजा, गौशाला में सीएम ने गायों को चारा खिलाया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह की पुण्यतिथि पर अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि, 2022 में बीमारी की वजह से हुआ था निधन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाअष्टमी के मौके पर शीतला माता के ऐतिहासिक मंदिर में पूजा अर्चना की। हरियाणा हार पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई बैठक, विधायक दल के नेता हुड्डा और प्रभारी सचिव शामिल होंगे। बिहार में डिप्टी सीएम के बंगले को लेकर सियासत गरमाई, पटना में तेजस्वी यादव के लिए लगाए गए पोस्टर, तेजस्वी पर बंगले का सामान ले जाने का आरोप है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव के पोस्टर पर साधा निशाना, प्रवक्ता दानिश बोले पिता ने बिहार लूटा, बेटा सरकारी बंगले से नल टोटी उठाकर ले गया। 15 अक्टूबर को हो सकता है हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, सूत्रों के मुताबिक दशहरे के बाद होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम के साथ साथ चुनाव आयोग पर खड़े किए सवाल, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की मतगणना में गड़बड़ी की शिकायत। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सूत्रों के मुताबिक देश में 2 परमाणु पनडुब्बियों का होगा निर्माण, अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने को भी कैबिनेट से मंजूरी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा भारत की राजनीति में राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जिनको कांग्रेस द्वारा बार बार आगे किया जाता है मगर वो हर बार चुनाव हारते हैं। दिल्ली से झारखंड के गोड्डा के लिए नई ट्रेन की शुरुआत, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। संजोली मस्जिद पर नगर निगम के आदेश को चुनौती देने की तैयारी, ऑल हिमाचल मुस्लिम संगठन कोर्ट में दे सकता है चुनौती, नगर निगम ने मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का दिया है आदेश। अगले साल प्रयागराज में होने जा रहे कुंभ मेले को लेकर संतों की बड़ी मांग, शाही स्नान का नाम बदलने के लिए संतों ने सीएम योगी को भेजे प्रस्ताव। बिहार के स्कूलों में अनुशासन को लेकर शिक्षा विभाग का सख्त फैसला, शिक्षकों और कर्मियों के लिए ड्रेस कोड लागू।
यूपी के मुजफ्फरनगर में घर के बाहर खेल रही 7 साल की मासूम पर आवारा कुत्ते ने हमला कर किया घायल, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। मध्य प्रदेश के भिंड में झोला छाप डॉक्टर की बड़ी लापरवाही आई सामने, ऑपरेशन करने के समय युवक के पेट में ही छोड़ दी रुई और पट्टी। मध्य प्रदेश के मऊगंज में पुलिस अधिकारी के सामने दंडवत हुए बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल, हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पंजाब पुलिस ने हथियारों की तस्करी के आरोप में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 8 पिस्तौल, कई कारतूस और मैगजीन बरामद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना को हंदवाड़ा हाईवे पर मिला संदिग्ध विस्फोटक, सेना को निशाना बनाने के लिए आईजी लगाए जाने की आशंका। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में दुर्गा पंडाल में मास्क से भरी बोरी फेंकने से मची अफरा तफरी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 2 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार, कई आईडी ब्लास्ट घटनाओं में शामिल था। यूपी के राज्य मंत्री रघुराज सिंह के अलीगढ़ वाले घर में हुई चोरी, बदमाश करीब 50 लाख के जेवर सामान उठाकर ले गए। यूपी के अमरोहा में भीषण सड़क हादसा, 2 ट्रकों में टक्कर के बाद लगी आग, झुलसने से ट्रक के चालक की मौत। गुजरात के अहमदाबाद में हिट एंड रन का मामला आया सामने, एक कार में सड़क किनारे खड़े बुजुर्ग को मारी टक्कर।